हेलो नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों एवं जितने भी लोग बिहार के लोग हैं या भारतवर्ष के लोग, आज बहुत ही काला दिन है। बीपीएससी का एक जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, विद्यार्थियों को नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों का जिस तरीके से काला कानून होता था कि नहीं, ये अगर मैंने कानून बना दिया तो इसे फॉलो ही करना है आपको, तो बिहार में विद्यार्थियों की लगातार मांग बढ़ रही थी नॉर्मलाइजेशन वगैरह हटाने की। लेकिन इन लोग खुद से जिद पे अड़े हुए हैं। इस बीच में खान सर बहुत मेहनत कर रहे थे, है ना, इसके विपक्ष में ही थे वो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम लोग की मांग ये है, आज एज ए टीचर हमें लगता है कि खान सर के साथ हम लोग को खड़ा होना चाहिए, और यही डिमांड करते हैं कि खान सर की गिरफ्तारी जो है जल्द ही वापस ले लेनी चाहिए, और उनको जितना इज्जत से ले गया गया है उतना ही इज्जत से वापस उनको लाकर उनके ऑफिस में बिठा देना चाहिए। भाई साहब, इस बिहार की क्या बात किया जाए, यहाँ शराब माफिया घूमता है और एक शिक्षक के जेल में तुम डाल दोगे? मतलब इतना नीचे कैसे गिर जाओगे भाई, तंत्र ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बहुत गलत बात है। देखोगे तो इधर उधर अपराधी घूम रहे हैं, पता है, सब लोग को पता है कि कौन मतलब दोयम दर्जा का आदमी है, ये इसमें संलिप्त है, ये इतना संलिप्त है, और ये विद्यार्थियों के अधिकार के मांग के लिए खान सर अगर आंदोलन में थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना मतलब इतना समाज नीचे चला जाएगा? मतलब शासन का एक लिमिट होता है, शासन को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों को शासन को अपने हाथ में लेना पड़ जाए। तो प्लीज, है ना, जो भी गवर्नमेंट सरकार है ना, नीतीश सरकार और सभी विपक्षी पार्टियों, सभी लोगों से अपील है कि भाई साहब खान सर को प्लीज वापस पहुंचा दें आप इज्जत से, है ना, आपसे नम्र निवेदन है प्लीज, है ना। वो आदमी बहुत काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत आगे करेगा, है ना, बहुत आगे काम करने वाला है, प्लीज ऐसा कुछ ना करें। और हमारे जो साथी हैं दुर्गेश तिवारी सर, वो भी कुछ बोलेंगे इस पे दो सब। चलिए सर। सर, सबसे पहले तो हम बोलने चाह रहे हैं कि जो खान सर को गिरफ्तार क्यों किया गया? सर, वो लड़कों के ऊपर और जो महाआंदोलन कर रहे थे, ये लड़के के लिए हित में कर रहे थे, कोई अपराधी तो थे नहीं सर। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले खान सर, आपको पता था कि मेन लीडर वहीं कर रहे थे, तो पुलिस भी देखेगी सर, उन्हीं को उठा लीजिए पूरा महाआंदोलन। अब महाआंदोलन रुका नहीं है, महाआंदोलन और फैलवा दिए है आप लोग, और महाआंदोलन और फैल गया है। खान सर को गिरफ्तार, जो खान सर की जो गिरफ्तारी है वापस लो, अब नहीं चलेगी मनमानी सर। हैशटैग लगाना है बाबू, ट्विटर कैंपेन इतना करिए, इतना कीजिए कि पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में दिखना चाहिए कि खान सर जो गिरफ्तार किए गए इनको जैसे किया गया उससे बढ़िया आदर पूर्वक बैठाया जाए। सर, क्यों लागू होगा बीपीएससी में? क्या क्यों लागू होगा? अपने बीपीएससी मनमानी करेगा? अभी कुछ दिन पहले बिहार पुलिस वाला धरना पर बैठते। सर, ये क्या है बिहार? हमारा बिहार क्या तो बदलेगा? बदलेगा कहाँ, बदल रहा है? नहीं बदल रहा है सर। अगर जब तक शिक्षा नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। अब कितना भी ग्रीन सिटी बना लीजिए, मेट्रो ट्रेन चला लीजिए, स्मार्ट सिटी बना लीजिए, ना, जब तक शिक्षा नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वही है अनपढ़ों वाला हाल। सर, आंदोलन कर रहे थे, इसमें गलत क्या बात है? अपना हक हम लोग मांग रहे थे आंदोलन करके, ऐसे नहीं सुनिएगा तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। महाआंदोलन एक टीचर होने के अनुसार, अगर हम भी वहां पे रहते तो हमको भी गिरफ्तार कर लेते, और कोई रहते, मेन लीडर को गिरफ्तार किया गया। और ये आंदोलन अगर कहा गया ना कि ये आंदोलन अब ये बड़ा हो गया है, इसमें बहुत सारे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। सर, एक किसी का हाथ नहीं है सर। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक बड़े पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा सर। तो फिर बता रहे हैं, जैसे सही से अगर आप उनको ले गए वैसे वापस ला कर रख दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अगर उतर जाएंगे ना, अभी उतरे थे आज भी, लेकिन महाआंदोलन अब और फैल हो गया है, यानी कि और बड़ा फैला हो गया है। अब आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होगा, जैसे पूरा बिहार सुनाई देगा सर। इसीलिए फिर बता रहे हैं, बोर्ड से चाहे किसी से भी हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले और हम लोग के टीचर जिसका नाम है, हम लोग के साथ जो पढ़ाने वाले हैं जिनका नाम है खान सर, जो आसपास के एरिया में रहते हैं, हम लोग खुद उनके साथ भी जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कोई भी हो, तो उनको जल्दी से जल्दी सर उनको छोड़ दिया जाए। नहीं तो फिर बता रहे हैं ना, ये पूरा आंदोलन महाआंदोलन बदलने वाला है, और पूरा ये बिहार नहीं पूरा भारत देखेगा, एक बार ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से जैसे आप हैं वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि लड़कों के लिए हक के लिए लड़ाई है सर। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस, उसके बाद बीपीएससी, ये सब क्या चल रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा है। बिहार बदल रहा है? बिहार कुछ नहीं बदल रहा है, बिहार बदलने के लिए नहीं है। बिहार में जब तक शिक्षा नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो जल्दी से खान सर को वापस लीजिए, और खान सर
कि गिरफ्तारी वापस लो, अब नहीं चलेगी मनमानी, यही टाइटल मारिए पूरी तरीके से सर, बिहार को एकता बनाइए और बीपीएससी को कर कर दिखाइए और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाइए कि इस्तीफा दो, पीछे किसका हाथ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्दी से जल्दी सब लोग जो जुड़ना मत भूलिएगा, जल्दी से जल्दी खान सर को वापस कराइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत।